हेलो एवरीवन, सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेचेस में मिल रहे हैं जिस स्ट्रेचेस के नाम है डायनेमिक स्ट्रेचेस, जो वर्कआउट से पहले होते हैं। अब लोग सोचते हैं वर्कआउट से पहले जो स्ट्रेचेस करते हैं वो स्ट्रेचेस खराब होते हैं, नहीं अच्छे होते हैं, लेकिन उसका करने का तरीका होता है। जैसे डायनेमिक स्ट्रेचेस के अंदर वही स्ट्रेच जो हमने अगले वीडियो में देखे थे, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। जो हमने देखा था स्टैटिक चेस्ट स्ट्रेच, तो यहाँ पे आप मोमेंट दे सकते हैं। ये मोमेंट देने से क्या होगा, स्ट्रेच भी आएगा और आपके मसल की मोमेंट भी होगी। तो मोमेंट एंड स्ट्रेच को मिलाकर जो स्ट्रेच बनते हैं उसे बोलते हैं डायनेमिक स्ट्रेच। जैसे अगर क्वाड्रिसेप करना है तो ये बोलता है क्वाड्रिसेप का स्ट्रेच, जहाँ पे थोड़ा 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 आपको मोमेंट देने की कोशिश करनी है। उसके बाद देखिए तो क्या आपका हो गया शोल्डर एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये सबसे अच्छा स्ट्रेच होता है आपका आपके बिफोर वर्कआउट का। ओके, दोनों हाथों से आप कर सकते हैं शोल्डर एक्सटेंशन, शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन। इसके अलावा आप देखिए कि आपका नेक का स्ट्रेच जो भी, वो भी एक डायनेमिक स्ट्रेच जो आप वर्कआउट के पहले करते हैं। आपके फोरआर्म का स्ट्रेच भी थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं वर्कआउट से पहले। यहाँ पे आपको 20 सेकंड तक होल्ड नहीं करना है, बट आपको मूवमेंट देनी है, रेपिटेशन करना है थोड़ा थोड़ा, 10-15 रेपिटेशन। जो वर्कआउट से पहले करने से मसल क्या होते हैं, ओपन अप होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इसकी वजह से भी आपको वर्कआउट करते समय ब्लड का सप्लाई अच्छा मिलता है। तो ये होगी डायनेमिक स्ट्रेचेस। डायनेमिक स्ट्रेचेस में ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं करना है स्ट्रेच, वरना क्या होगा वर्कआउट करने से पहले ही मसल जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। मसल के अंदर क्या है कि भाई स्ट्रेचिंग आ जाएगा, मसल को टाइट एंड कॉन्ट्रैक्ट रहना जरूरी है वर्कआउट से पहले। वर्कआउट के दौरान 1 लीटर पानी पीना जरूरी है, मिनिमम 500 ml, जिससे क्या होता है आपके मसल जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसके साथ साथ हम एक और वीडियो में बात करते हैं कि भाई हमारे तीसरे प्रकार के स्ट्रेचेस कौन से, जो होते हैं प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरामस्कुलर फैसिलेशन, मतलब PNF स्ट्रेचेस। ये बहुत ही स्पेशल स्ट्रेच है जिसमें आपको किसी की सहायता पड़ती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसी स्ट्रेचेस को PNF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज PNF आफ्टर वर्कआउट होने वाले स्ट्रेचेस है। आफ्टर वर्कआउट नहीं, घर पे भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम फिजियोथेरापिस्ट भी इस स्ट्रेचेस का सहारा लेते हैं सामने वाले पेशेंट जो होते हैं उनकी पेन को दूर करने के लिए। लेट्स सी।